आप प्रेस वाले हैं? हाँ प्रेस वाले। आप जाइए अंदर, मैं कार्रवाई करूँगा। आप पर जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, यहाँ अपना जवाब खुद। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भी जमुई के डीटीओ साहब की खूब दबंगई चली। जी हाँ बिल्कुल, जरा तस्वीरें देखिए किस तरीके से डीटीओ साहब जो हैं वो मतदाता पर ही थप्पड़ बरसा रहे हैं और ये कहते दिखाई दे रहे हैं पत्रकारों को कि अगर दिख गए तो कार्रवाई कर देंगे। चेहरे पर चश्मा लगा है और खुद को दबंग समझ रहे हैं, इसीलिए धड़ाधड़ थप्पड़ बरसा रहे हैं मतदाताओं पर और खुलेआम धमकी दे रहे हैं। द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है और डीटीओ साहब जो हैं वो चश्मा पहनकर थप्पड़ बरसा रहे हैं मतदाताओं पर। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो साफ साफ लफ्जों में धमकी देते नजर आए और ये कहते नजर आए कि आसपास भी दिख गए तो कार्रवाई कर देंगे। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या कवरेज करना है, कहां तक जाना है कवरेज करने के लिए, तो उन सवालों पर साफ साफ कहते दिखाई दे रहे हैं डीटीओ साहब कि ये तमाम बातें जो हैं वो खुद से ही तलाश लीजिए इनके उत्तर को, वो उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। डीटीओ साहब लगातार इस तरीके की करतूतें कर रहे हैं। इससे पहले भी पोलिंग एजेंट का मोबाइल फोन पानी में फेंक चुके हैं। लगातार जिस तरीके से डीटीओ साहब चश्मा पहनकर खुद को हीरो समझ रहे हैं और दबंगई कर रहे हैं, कभी थप्पड़ बरसा रहे हैं तो कभी पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं तो कभी पोलिंग एजेंट का मोबाइल छीन पानी में फेंक दे रहे हैं और धड़ल्ले से गाड़ी में बैठकर चश्मा चमकाते हुए निकल जा रहे हैं, ये कहते हुए कि किसी को कुछ कहने के लिए वो बाध्य नहीं है। साथ ही साथ पत्रकारों को भी धमका दिया, आसपास दिख गए तो कार्रवाई कर दिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं डीटीओ साहब काला चश्मा पहनकर, जरा आप वो सुनिए। बूथ के अंदर, बूथ के अंदर पत्रकारों को जाना अलाउड नहीं है। आप सवाल पूछ रहे हैं, इंट्रोगेट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल पूछिए, सवाल पूछिए तो पत्रकारों की तरफ पूछिए, इंट्रोगेट मत कीजिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, नहीं आपको जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। आप पर जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। यहाँ के सुपर जोनर पदाधिकारी के रूप में मैं आपको परमिट नहीं करूंगा, एज सिंपल एज दैट। कहां तक जाने का, ठीक है, बस कहां तक और कहां तक आप अपना जवाब खोजते रहिए। कहां तक जाने का धारा बताइए, कहां तक, कोई जवाब नहीं देना है। ये कहां तक जाना है मुझे, ये बताइए कहां तक जाना। आप प्रेस वाले हैं? हाँ प्रेस वाले। नहीं तो आपका जवाब नहीं देंगे, एज सिंपल एज दैट। जहां तक आपको देना था मैंने दे दिया, आप उसके अंदर नहीं प्रवेश कर सकते हैं। आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, प्रभावित करने जी बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम कार्रवाई कर देंगे। आप जाइए अंदर, मैं कार्रवाई करूंगा। आपको डंडा चलाने का राइट है, ठीक है, आप जाइएगा, आपको डंडा चलाने का राइट है डीटीओ साहब। नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे मैं आप पे कार्रवाई करूंगा। नेक्स्ट टाइम फिर इस बूथ पर मैं कहां जाऊंगा? आप एकदम जाइएगा, आप जाइएगा उसके अंदर, मेरे सामने रहेंगे, आप कार्रवाई करेंगे। आपको डंडा चलाने का राइट है क्या? आप डंडा जो चलाते हैं उसकी राइट है, सरकार ने दी है राइट क्या? ठीक है, जो सवाल था जितना पूछना था आपको जवाब दे दिया मैंने, ठीक। चलिए ये आपकी दबंगई है, ये आपकी दबंगई है, दबंगई। ये आपका सवाल नहीं है, ये आपका इंट्रोगेशन है। ये आपकी दबंगई है, ये आपकी दबंगई, दबंगई है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। ये आपकी दबंगई है डीटीओ साहब। तो आपने सुना किस तरीके से पत्रकारों से उलझ गए, मतदाताओं पर थप्पड़ बरसा रहे हैं, पोलिंग एजेंट के मोबाइल फोन को पानी में फेंक रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि कोई आसपास भी दिख गया पत्रकार तो कार्रवाई कर दी जाएगी। उन्हें डर है कि कहीं थप्पड़ बरसाते हुए कैमरे में चमकता हुआ चश्मे के साथ उनका तस्वीर ना आ जाए। पर डीटीओ साहब तस्वीर क्या, आपका तो वीडियो ही आ गया। जरा देखिए एक बार किस तरीके से डीटीओ साहब थप्पड़ बरसा रहे हैं, थप्पड़ भी पूरे शक्ति के साथ। थप्पड़ बरसाते हुए कहते दिखाई दे रहे हैं कि कोई आसपास ना दिखे। पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं। डीटीओ साहब वीडियो देखिए, कितना कस कर चश्मा पहनकर आप थप्पड़ लगा रहे हैं, वो भी मतदाता पर। इससे पहले भी कई करतूतें डीटीओ साहब कर चुके हैं, कभी पानी में मोबाइल फेंक देते हैं पोलिंग एजेंट का तो कभी पत्रकारों से उलझ जाते हैं, तो कभी पत्रकारों को धमकी दे देते हैं, कभी मतदाताओं पर थप्पड़ बरसाते हैं। खैर चश्मा पहने हैं, दबंगई तो करेंगे ही, और दबंगई करते हुए किस तरीके से गाड़ी में बैठ रहे हैं
रौब दिखा रहे हैं कि भाई हम तो डीटीओ हैं। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि डीटीओ साहब पर कार्रवाई होती है क्या। जिस तरीके से डीटीओ साहब थप्पड़ बरसा रहे हैं, पत्रकारों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मतदाताओं पर खुले हाथ थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं, वीडियो तो आ गया है, चश्मे वाला चेहरा भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है चश्मे में, मगर करतूत सराहनीय नहीं है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।